वेलकम माय वीडियो। देखिए, अभी तक मैंने टैली के अंदर लगभग जितना भी थ्योरेटिकल वर्क था वो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज से हमारा टैली के अंदर जो होगा वो टोटल प्रैक्टिकली चलेगा। प्रैक्टिकल का मतलब जो अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट किए हैं, ठीक है, उनको आज से हम प्रैक्टिकली करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर उन एंट्रीज को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पता है कि मैंने आपको पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्यूशन कराया है, तो मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। मैं अप्रैल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा अप्रैल का क्वेश्चन, क्या करेंगे, अप्रैल वाले क्वेश्चन पर जाएंगे, उस अप्रैल वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा, अब हमें क्या करना है, टैली ओपन करनी। देखिए, मैं टैली सबसे पहले 5.4 वर्जन कराऊंगा। ये वीडियो सबसे पहले क्या है, बिगनर्स के लिए, जो टैली बिल्कुल टैली का फुल्ली कोर्स करना चाहते हैं, ये आपको पहली बार यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जो टैली बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करेंगे, जो मेरी चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप सबसे पहले उसको देखेंगे। वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। देखिएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टैली लैम की प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो करेंगे। एक तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये टैली नाम की, इसके अंदर टोटल हमारे जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, कैश बुक है, और उसके बाद में ये लीजर है, ठीक है। ये कल आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। अब हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वेट कीजिए, थोड़ा सा अभी टैली ओपन होने में टाइम ले रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट, एक दो मिनट और लगेगा। देखिए, यहाँ पे हमारी ये टैली ओपन हो चुकी है। तो इस टैली के अंदर पहले से, अगर आप देख रहे हैं, इसके अंदर पहले से एक कंपनी सेलेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गूगल प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, दो कंपनी यहाँ पे गूगल। अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं, देखिए गूगल नाम की कंपनी आ गई है, ठीक है, अमेजन, ठीक है। बैक करेंगे आप यहाँ पे Alt के साथ F3, इसमें यहाँ पे आप कंपनी देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, फिर इसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे जाना पड़ेगा, और क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद में आपको क्रिएट कंपनी पर आना है। तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी कंपनी बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, सपोज कीजिए अमेजन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपनी बनाई है, और यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया नियर जैन मंदिर नोएडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि आपके पास इनकम टैक्स नंबर है या लोकल सेल्स टैक्स नंबर है, एंट्री ये अगर है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, आप एंटर करते चले जाइए। आपका जो बिजनेस चल रहा है वो किस करेंसी सिंबल क्या है वो रुपीज है। देखिए यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ कंपनीज, देखिए कंपनीज के अंदर क्या होता है, बिजनेस होता है, और बिजनेस के भी बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक तो कंपनीज को बड़े बड़े लेवल पर बिजनेस करती है जिसे थोक व्यापार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अकाउंट्स ओनली, जैसे 1 लाख का माल आ गया, 2 लाख का माल आ गया, 50 लाख का माल आ गया, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स ओनली। कुछ कंपनीज छोटे लेवल पर बिजनेस करती है, जैसे मैंने तो दो बोरी चीनी की ले ली, 2 कनस्तर तेल के ले लिए, ठीक है, या 50 माउस ले ली, जिसमें क्वांटिटी होती है वहाँ करते हैं अकाउंट विद इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बड़े लेवल पे भी है और आपका इन्वेंट्री में भी छोटे लेवल पे, तो वहाँ पे करेंगे हम अकाउंट विद इन्वेंट्री। अगर आपका ओनली इन्वेंट्री सिस्टम है तो आपका, अगर आपका क्वांटिटी वाला सिस्टम है तो आप इन्वेंट्री ओनली करेंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अभी अकाउंट्स ओनली, और आपकी डेट होगी 1 अप्रैल से, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि आप कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और बुक्स के अंदर भी एंट्री कब से स्टार्ट होंगी आपकी, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगी, ठीक है।
उसके बाद आप अगर आप अपनी कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हो तो उसको यस करेंगे, वरना नो, अभी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर 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 करते चले जाएंगे। ओके, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपकी अमेजन प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे कंपनी बन चुकी है। जिस कंपनी को आप बंद करना चाहते हो उस कंपनी के लिए आप करेंगे यहाँ पे शट। किस कंपनी को बंद करना चाहते हो, गूगल नाम की, तो यहाँ पे देखिए मेरी अमेजन नाम की कंपनी बन गई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको आना गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के लिए आपको कीबोर्ड से दबाना है, आपको ESC की यानी कि एस्केप की प्रेस करना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाली एंट्रीज अप्लाई करनी। मैं इसको थोड़ा सा भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेल के अंदर ये वाली एंट्रीज कंप्लीट करनी है। तो इन एंट्री को करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कैपिटल का लेजर हो गया, परचेज लेजर हो गया, रामू का लेजर हो गया, ये बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा पहले अकाउंट इन्फो के अंदर, फिर आएंगे आप लेजर्स के अंदर। ग्रुप आपके अंदर पहले से बने होते हैं टैली के अंदर, उसके बाद आप लेजर्स पे आएंगे। अगर आपको लेजर्स बनाना है तो पहले क्या करेंगे, क्रिएट। अभी मैंने आपको अभी लास्ट टाइम एक वीडियो किया बनाया था टैली का, जिसके ऊपर वाउचर्स की एंड ग्रुप्स, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन किया है, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में जाएगा, कौन से वाउचर की किस एंड उसमें जाएगी, वो सब चीज़ मैंने बताया, तो वो जरूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। तो इसमें लेजर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए आपको बनाना है कैश का। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे इसमें अंदर लेजर कौन कौन से। तो एस्केप की प्रेस करके डिस्प्ले में आएंगे, तो यहाँ पे दो लेजर पहले से बने होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट लॉस। तो ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको क्रिएट करके सबसे पहले लेजर बनाना है आपको, किसका, कैपिटल का। और मैंने आप बताया भी था कैपिटल अकाउंट आपका कहाँ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए लिस्ट आ रही है ना, यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट कैपिटल के एंटर में आ जाएगा। इसके बाद एंटर एंटर एंटर, आपका लेजर बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर किसका है, परचेस अकाउंट का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, परचेस अकाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे, परचेस अकाउंट। और यहाँ पे किसके एंटर में आएगा, ये परचेस अकाउंट, ठीक है, एंटर एंटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे परचेस, परचेस तो हम बना चुके हैं एक लेजर के बाद। अब देखिए यहाँ परचेस के बाद क्या है, यहाँ पे मंजुला, मंजुला किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड जा रहा है, तो ये संडी क्रेडिटर होगा। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे मंजुला, और यहाँ पे आएगा आपका संडी क्रेडिटर्स, इंटर 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 इंटर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे परचेस हम बना चुके हैं, नेक्स्ट है रामू। तो यहाँ पे रामू टाइप किया, रामू संजी क्रेडिटर है, यस, एंटर 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 एंटर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे कैश, कैश बना हुआ है। इसके बाद क्या बनेगा, सेल्स, सेल्स का लेजर किस में जाएगा आपका, सेल्स की कैटेगरी में, यही देखिए ग्रुप आगे लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोहन, सोहन क्या डेटर्स है ना, तो यहाँ पे सोहन बनाएंगे, और सोहन यहाँ कर देंगे आप संजी डेटर्स, एंटर 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 एंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, रामू, रामू हम बना चुके हैं। उसके बाद सोहन भी बना चुके हैं, ठीक है। फर्नीचर यहाँ पे आएगा, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट किस में जाएगा आपका, फिक्स असेट्स में, एंटर एंटर एंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट किन जाएगा जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर एंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, कमीशन, कमीशन आपका आएगा, कमीशन अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम्स के अंडर में, डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। इस चीज़ को अगर समझ रहे हैं तो इससे पिछले वीडियो देखेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमने लेजर कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल हमारे लेजर कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमें टैली के अंदर एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर यहाँ पे आपको टैली में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, बाहर आ गए गेटवे अकाउंट के अंदर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर एंट्री इसके अंदर आएंगे। वाउचर्स एंट्री में आने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको एक तो सबसे मेन चीज़ आपको डेट का याद रखना है। डेट चेंज करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट यानी कि F2 की प्रेस करेंगे। तो डेट क्या है यहाँ पे देखिए, पहले एंट्री की 1 अप्रैल है, तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको इस एंट्री को करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, F6। यहाँ पे देखिए F6 आ रहा है ना, F6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 में यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, कैपिटल में कितनी अमाउंट है, 40,000। और डेबिट में क्या है, डेबिट में है आपका कैश, तो आप यहाँ पे कैपिटल टाइप करेंगे, कैपिटल के अंदर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 40,000।
और बाय का मतलब डेबिट होता है, और डेबिट में वहां पे क्या लिखा हो, कैश एंटर। अब देखिए हमारी ये वाली एंट्री इसमें अप्लाई हो जाएगी अमाउंट, ठीक है। और इसके बाद आप नरेशन में अभी कुछ नहीं करना, बाद में डिस्कस करेंगे एंटर। और इसके बाद में एंट्री अगर एक्सेप्ट करनी है तो आप इसको एंटर प्रेस कर दें, ये वाली एंट्री अप्लाई होगी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेस अकाउंट डेबिट टू मंजुला, लेकिन हमें सबसे पहले डेट चेंज करनी है। डेट क्या है इसकी, 4 अप्रैल। तो आप यहाँ पे डेट पे जाएंगे, डेट पे जाने के बाद में यहाँ पे 4/4 एंटर कर देंगे। देखिए डेट अप्लाई हो चुकी, इसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, F9। तो आपके लिए यहाँ पे देखिए ये F9 यानी कि परचेज, ठीक है। ये वाउचर की मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी इससे पिछले लेक्चर में। अब 2 में क्या है, मंजुला है। तो 2 में मंजुला है यानी कि 20,000 है पहले क्रेडिट, उसके बाद डेबिट में आ जाएगा परचेज। तो यहाँ पे सबसे पहले मंजुला आ जाएगा, मंजुला की अमाउंट की एंट्री कितनी है 20,000 एंटर, और यहाँ पे क्या डालेंगे आप, परचेज अकाउंट 20,000 एंटर एंटर एंटर, ये एंट्री अप्लाई हो चुकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अप्रैल का आता है, ठीक है। डेट चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले 6 अप्रैल, यहाँ पे 6 अप्रैल के। उसके बाद क्या है, परचेज ही F9 हम ऑलरेडी इसी के अंदर, लेकिन हमने परचेज किससे किया इस बार, रामू से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रामू, ठीक है। रामू से हमने कितने का परचेज किया, 10,000 का हमने गुड्स परचेज किया एंटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेज एंटर 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 एंटर, ये भी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 8 अप्रैल को हमने सेल्स किया, सेल्स के लिए कौन सी की प्रेस करनी है आपको, F8। तो पहले तो हम डेट चेंज करते हैं 8 अप्रैल, ठीक है 8 अप्रैल, और उसके बाद सेल्स करते हैं F8। सेल्स कैसे है पहले देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पे पहले क्या है, बाय है, तो बाय में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कितने का है, 8,000 है ना, नहीं 8,000 नहीं 10,000 का, फिर गड़बड़ हो जाती है, 10,000 एंटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट एंटर 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 एंटर। तो ये वाली भी एंट्री आपकी अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 6 अप्रैल भी हो गया, 10 अप्रैल को हमने सोन को माल बेचा, लेकिन डेट क्या है, 10 अप्रैल। अभी हम सेल्स वाउचर में हैं, 15,000 का हमने बेचा है, तो यहाँ पे डेट क्या है उसकी, डेट क्या है पे 10 अप्रैल। तो यहाँ पे डेट चल कर लेते हैं 10/4। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने सोहन को माल बेचा कितने का, 15,000 एंटर, और यहाँ पे आपका सेल्स आ जाएगा, यही सही है ना, ठीक है एंटर एंटर एंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को हमने रामू को कैश किया, रामू को कैश किया 15,000 का। तो ये किस एंट्री कहाँ पे जाएगी, F5 के अंदर। पहले हम इसकी डेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, ठीक है। और ये पेमेंट कहाँ जाएगी, एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर के अंदर, तो आप यहाँ पे F5 करेंगे। उसके बाद हमने पेमेंट किसको किया, रामू को 15,000 का हमने पेमेंट किया। तो पहले यहाँ पे क्या है, रामू, यहाँ पे 15,000 एंटर एंटर, और यहाँ पे कैश एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ये भी वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्या है, 20 अप्रैल को हमें रिसीव हुआ मोहन से 6,000, 20 अप्रैल को, यानी कि पहले 20 अप्रैल, यहाँ पे डेट चेंज हो गया, उसके बाद हम रिसिप्ट करेंगे, ये रहा किससे रिसीव हुआ ये हमें, सोहन से 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे सोहन, यहाँ पे 6,000 एंटर एंटर, और यहाँ पे आपका कैश आ जाएगा एंटर 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 एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्नीचर हमने खरीदा, इसके लिए कहाँ जाएगा ये, पेमेंट वाउचर में, यानी कि 24 अप्रैल। तो यहाँ पे 24 अप्रैल पेमेंट वाउचर में, फर्नीचर कितने का लिया आपने, 2,000 का। तो यहाँ पर फर्नीचर 2,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश एंटर 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 एंटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसके बाद यहाँ पे हमने इंटरेस्ट दिया, ये भी पेमेंट वाउचर में जाएगा, लेकिन 26 अप्रैल को 400। तो 26 अप्रैल को यहाँ पे हमने कितना दिया, इंटरेस्ट 400 रुपीज़, कैश एंटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे हमें कमीशन रिसीव हुआ, ये 28 अप्रैल को जाएगी रिसीव वाउचर में। तो यहाँ पे 28 अप्रैल, ठीक है, और ये जाएगी रिसीप्ट्स में। कमीशन कितना हुआ हमें, 200 रुपीज़। तो पहले 2 कमीशन, 200 रुपीज़ एंटर, यहाँ पे कैश एंटर 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 एंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या, हमने सैलरी दिया पेमेंट वाउचर 30 अप्रैल को 300 रुपये। तो यानी कि यहाँ पे डेट आ जाएगी 30 अप्रैल, और यहाँ पे पेमेंट वाउचर कितना दिया हमने, सैलरी 300 रुपये। तो यहाँ पे आपका सैलरी
और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 300 एंटर, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश एंटर एंटर एंटर। अब देखिए हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन हमने ये बना दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि क्वेश्चन में सही क्या गलत किया। तो अभी मैंने आपको पहले ही जब मैंने लेजर कंप्लीट कराया था तो लेजर के साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और नोट कराई थी, ट्रायल बैलेंस कराई थी ना, ट्रायल बैलेंस। तो अब सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस भी एक बार ओपन कर लेते हैं, ये रहा यहाँ पे, वेट। तो हमें अप्रैल का ट्रायल बैलेंस देखना है कितना आ रहा है। अप्रैल का जो आंसर आ रहा है 85,500 रुपये आ रहा है, और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। तो टैली के अंदर अगर हमें ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? आपको पहले इसके मेन मेन्यू पे आना, मेन मेन्यू गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप एस्केप की दबाएंगे आगे, और नीचे आप देखेंगे डिस्प्ले का ऑप्शन है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये डिस्प्ले का ऑप्शन देख रहे हैं आप। इस डिस्प्ले पे जाकर आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ट्रायल बैलेंस पर जाकर आप एंटर करेंगे, देखिए हमारा 85,200 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 85,200, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे ये ग्रुप वाइज शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रुप वाइज शो कर रहा है। अगर हमें इसको लेजर वाइज देखना है तो यहाँ पे देखो F5 यानी कि लेजर वाइज यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो कैपिटल 40,000 से, यस 40,000 से। उसके बाद आपका कैश कितना है, 38,500, देखिए 38,500 कैश आ रहा है। उसके बाद 200 रुपये क्या आपका कमीशन है, देखिए कमीशन के 200 रुपये आ रहे हैं क्रेडिट साइड। उसके बाद यानी कि आपका फर्नीचर 2,000 रुपये है, यस फर्नीचर 2,000 रुपये, ये मैच हो गया। उसके बाद 400 क्या इंटरेस्ट है, देखिए 400 इंटरेस्ट मैच हो रहा है हर एक चीज़। मंजुला के 20,000 रुपये क्रेडिट है, ये रे मंजुला के 20,000 रुपये क्रेडिट है। उसके बाद 30,000 की परचेस है, 30,000 की परचेस आ चुकी है। उसके बाद रामू के 5,000 डेबिट हैं, ये रे रामू के 5,000 डेबिट हैं। सैलरी के 300 रुपये हैं, ये रे सैलरी के 300 रुपये हैं। उसके बाद 25,000 रुपये सेल्स के हैं, ये रे 25,000 सेल्स के हैं। उसके बाद फिर क्या है आपका नेक्स्ट है आपका 9,000 रुपये सोहन के हैं, तो देखिए 9,000 रुपीज सोहन के, ये साइड और आंसर आ रहा है 85,200, और यहाँ पे देखिए 85,200। अगर आप अपनी कैशबुक भी देखना चाहते हैं तो मैं कैशबुक भी ओपन कर सकता हूँ, तो देखिए आप एवं कैशबुक को ओपन करते हैं, ये रही कैशबुक। अगर कैशबुक को मैच करना चाहते हो तो कैशबुक भी आप मैच कर सकते हैं, मैंने अप्रैल की कैशबुक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा देखिए अप्रैल। अगर ये पूरा कैशबुक निकालना चाहते हैं ये कंप्लीट, तो आप क्या करेंगे, सीधा जाके आप ये कैशबुक देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको किसका चेक करना है, अप्रैल का चेक करना है, ये मई का क्या है, ओ सॉरी ये सो कुछ नहीं, ये 24 साल की, 24 साल गलती हो गई थी, 86,200। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे एंटर किया, एक बार और एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, टोटल आपको 56,200 रुपये यहाँ पे रिसीव हुआ, देखिए 56,200 रुपये डेबिट साइड का बैलेंस है, 17,700 का आएगा आपका, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 38,500, ये देखिए 38,500, और एंटर कर देंगे तो पूरी कैश बुक आपके यहाँ पे आ जाएगी 1 अप्रैल से। यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपका 38,000, ये कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है व्यूअर्स, आज हमने ये अप्रैल का क्वेश्चन सॉल्व किया है। इससे अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा मई का होगा। आप इसको जितना भी आपने अपने नोटबुक्स में तैयार किया है तो आप अपने सिस्टम में टैली इंस्टॉल करवा के आप इसको प्रैक्टिकली करिए, ओके। यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके व्यूअर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वारी करनी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। यदि आपको मेरा ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।